गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज कल रात को आप लोग को पता होगा तुरमुंगा के पास एक बैतरणी होटल है, यानी कि ढाबा आप देख सकते हैं। तो ढाबा में कल रात को रुका था और यहाँ के जो मैनेजर हैं और स्टाफ लोग हैं काफ़ी अच्छा मेरे को हेल्प किए, क्योंकि यहाँ सोने के लिए मुझे जगह दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग को स्टाफ लोगों से एक बार मिलाता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल 10 बजने जा रहे हैं और मेरे को यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, तो मैं आप लोग से मिलाता हूँ। ये है गाइज ये सब बाहर में, तो सर तो ये मैनेजर सर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए जगह दी है, तो थैंक यू सर। सर थैंक यू आप लोग के भी, सर थैंक यू हेल्प करने के लिए, बहुत बहुत हेल्प की मेरे को रहने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह, तो थैंक यू सर। और क्या बोलिए, बोलने के बाद मेरे पास वार नहीं है, इतना हेल्प करने के लिए। और देखते हैं अभी आगे जाने से। हाँ हाँ, तो कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा लगा सर। सर ठीक है, सर ठीक है, मिलते हैं कभी। तो ये सर हैं, काफ़ी अच्छा है। कल रात को मैं यहाँ पे खाना खाया था तो पैसा भी दे रहा था, तो पैसा भी नहीं ले रहे हैं भाई, तो इतने अच्छे लोग हैं मत पूछो यार, मतलब क्या ही बोलूँ, पैसा भी नहीं ले, तो बहुत ही अच्छा बात है। तो थैंक यू उनके लिए। अभी देखते हैं, हाईवे में आ गया हूँ सामने, और आज का दिन कैसा जाता है। आज मेरा पांचवा दिन है भारत वर्ष में, तो गौतम मेरा इन्होंने मेरे को 4-5 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दिए हैं, सो थैंक यू भाई, थैंक यू। चढ़ेबुड़ में हूँ और गाय ने तो कोई आके पूछता है बार बार, मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा दोनों बैग देख के, तो मैं हमेशा बताते रहता हूँ। और भाई लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मिलते रहिए, मतलब आगे आपका दुआ रहे, आगे बढ़ता रहूँ, तो थैंक यू। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ एक चढ़ेबुड़ बोल के एक जगह में, तो मुझे तो कलकत्ता जाना था, पर कुछ कारण है, कुछ मुझे कमी महसूस हुआ और लोगों ने भी बहुत सारे मुझे एडवाइस दिए, और अभी तो मैं शुरुआत किया था, पर उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो कि थोड़ा मुझे लगा कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें कमी है और उन सारे चीज़ों को पूरा करना चाहिए। जिस तरीके से फ्री लिफ्ट इंडिया, अगर आप ऑल इंडिया घूमना चाहते हैं तो मतलब कुछ उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, कुछ प्रोसेस होता है, तो उस सिस्टमेटिक थ्रू से जाना चाहिए बोल के मुझे बहुत सारे लोग सजेशन दिए, और मुझे वो चीज़ करना चाहिए। बट आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं शायद परमिशन लेने में, आप समझ सकते हैं, इस सारे प्रक्रिया में मैं थोड़ा नहीं किया हूँ, और मुझे लगता है कि इसके बिना भारत दर्शन करना असंभव है। तो मैं शायद मैं यहीं से मेरे भारत दर्शन यात्रा को मैं रिटर्न जाने वाला हूँ, अपने घर जाऊँगा गाइस, और इन सारे बातों को मैं आप लोग को मैं घर जा। तो अभी विश्वनाथ भैया ने मेरे को लिफ्ट दिए है भैया, थैंक यू विश्वनाथ। अभी कितना दिन तक जाएंगे, कितना किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर है। अच्छा, थैंक यू उसके लिए। और अभी कितना साल से ड्राइविंग कर रहे हैं सर, 12-13। अच्छा, 12-13 साल से कर रहे, तो थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। 2007 सर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू, और मुझे लिफ्ट देने के लिए भी थैंक यू सर। सर ने अभी और एक लिफ्ट दे दिया, क्या उसे संबलपुर तक मिल गया है गाइस, 232-233 किलोमीटर है, वहाँ तक लंबा लिफ्ट मिला है, सो थैंक यू सर। अगर आपका नाम बताना चाहेगा तो बता सकते हैं।
गिरजा शंकर, गिरजा शंकर यादव जी है। तो थैंक यू, इतना बड़ा लंबा लिफ्ट कभी नहीं मिला आज तक, और ये मेरा पहला इतना लंबा लिफ्ट मिला है। सो थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग आजकल का इतना खराब माहौल हो गया है ना, मतलब लिफ्ट ही नहीं देते हैं कोई भी आदमी, तो लिफ्ट देने के लिए इतना बड़ा बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ा। कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो अभी सर, कुछ अगर बोलना चाहेंगे क्या बोलो मेरे भाई, गाड़ी चलाते चलाते जान निकाल ले रही है। तो सर उत्तर प्रदेश से है, और कम से कम कितना साल से ड्राइविंग कर रहे हैं सर? आज करीब 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, तो काफी ज्यादा लंबा टाइम है और ड्राइविंग करते आ रहे हैं। और कई सारे मुद्दे के बारे में हम लोग आपसे बुरे भाले के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाड़ी चलाता हूँ तो अच्छा लग रहा है, ऐसा कर नए नए लोगों से मिलता हूँ तो मेरा मतलब जानने का और कहाँ के है कहाँ नहीं ये सब जानने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो थैंक यू, और आगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो लगभग अभी 40-45 मिनट गाड़ी में थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग एक दुकान में आए हैं चाय पीने के लिए। सर ने भी रेस्ट किया, मैं भी थोड़ा लेटा था। तो कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, और सर ने सुबह 5 बजे से चला रहे थे और अभी रेस्ट किए हैं, 2 बजे से रेस्ट कर रहे हैं, और अभी लगभग 2:45 हुआ है। तो अभी चाय पीने आए हैं और ये खा रहे हैं और चाय भी पियेंगे। तो अपना सेहत को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो अभी चाय पी के फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये है आसपास का यहाँ का जगह, बहुत ही सुंदर, दोनों साइड में जंगल और पहाड़ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जगह देख के। तो अभी चाय पी के खत्म करके ये है गाड़ी लॉजिस्टिक अशोक लेलैंड, तो जाते हैं। चाय पीने के लिए उतरे हैं और लगभग हम लोग अभी 30-35 किलोमीटर आगे आके जो घाटी है ना कांजी पानी घाटी, उसको पार करके अभी हम लोग इधर रुके हैं आगे को, और अभी चाय पीने वाले हैं। तो कितना किलोमीटर रहे हैं शंकर जी, कितना किलोमीटर रहे हैं आगे? 25-30 किलोमीटर अभी ना, अभी लगभग। उसके बाद और वो ट्रक वाला ड्राइवर है जो कि एक ही कंपनी के हैं दोनों भाई लोग, चाय पी खा रहे हैं इसको, और थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। हाँ कि अभी पूरा टायर भी गर्म है, सब कुछ गर्म है, तो उसको भी अभी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे। चाय पी रहे हैं और कुछ बोलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है भाई लोग से मिलके। हेलो, लिप लेके आया हूँ, वो जो क्या है कैंसर से,
जो ये है ना बाईपास उधर आबाद कहाँ पर आए थे, कहाँ पे है? चाय पी के खत्म किए हैं अब और अभी आगे चलो 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 जरूरी चलते हैं आगे। और गाइस अभी मैं ग्लास क्लीन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अंदर का कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बाहर का करेंगे। मजा आ गया। तो अभी ग्लास साफ करने के बाद फिर से हम लोग चाय पीने उतर गए हैं, फिर एक कप पे चाय मारते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया संबल। ये मेरा कम से कम आज का 200-250 किलोमीटर का लिफ्ट था और इस गाड़ी में लगभग 235 किलोमीटर का कुछ लिफ्ट था, शंकर जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए संबलपुर तक आने के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे तो हो गया। तभी पुलिस वाला हमको तकलीफ दे रहा है, तभी ये अहमदाबाद तक जा रहे हैं, तो उनके लिए इस सफर के लिए मेरे तरफ से थैंक यू, उनका सफर अच्छा से हो और बाय बाय बोलेंगे शंकर जी। ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस फाइनली मैं लगभग संबलपुर 9 बजे के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद में यहाँ पे एक सामने पेट्रोल पंप है और वहाँ पे जो जो काम करते हैं उनसे मैं बात किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, थ्री लिफ्ट ऑनर लिया, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है। और आज मैं एक सामने ही शोरूम है, तो शोरूम के जो फ्लोर है आप देख सकते हैं इधर, तो यहाँ पे आज मैं अपना टेंट लगा के सोने वाला हूँ गाइज। और सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग करते रहिए गाइस।